हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल दिलजोत परमार। दोस्तों आज दी वीडियो च असीं लैके आए हैं 11th क्लास का, ठीक है, 11th क्लास का इकनोमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का पेपर। जिवें तुसी इत्थे देख सकते हो अर्थशास्त्र कोलां कहोंगे 80 सितंबर प्रीख्या 2023 जमात +1। ठीक है दोस्तों, ये आपां तुहानूं दिखा दिंदे आ, ते एक होर पेपर आ ओह एंड ते तुहानूं दिखावांगे। ठीक है, सो फस्ट देख लो, नोट करो, एक एक नंबर दे 20 क्वेश्चन होणगे। जिवें तुसी इत्थे देख सकते हो कीमत दे सिद्धांत दा दूजा नां की है। ठीक है, की आ इहनां च तुसी देख लैणा वा। ते नैक्सट आ जांदा जी अर्थशास्त्र दी कल्याण संबंधी परिभाषा ने किसने दित्ती आ। ठीक है, इहनां च तुसी देख लिओ किने दित्ती आ ते कमेंट कर दिओ। मनुखी लोड़ां हन असीमत, सीमत, दुर्लभ, सीमत हो मेरे हिसाब नाल। ते नैक्सट आजूगा जी संतरता समय भारतीय अर्थव्यवस्था किहो जी सी। ठीक है, किहो जी सी, पिछड़ी होई, अर्ध, ठीक है, ये उपरोक्त सारे हो सकता वा, बाकी पता नहीं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कदों हुई, सो ये तुसी देख लियो, ते कदों हुई 1938। ठीक है, सो वेयर इज आ रहा 1938। उस तो बाद आजूगा भारत में 5 साल योजनावां कौन तैयार करता है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, देख लियो ये मेरे हिसाब से योजना आयोग ही होगा जी, योजना होगा। सो उद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने जोर दिता, ये देख लियो। उस तो बाद जी पढ़न अते लिखन दी योग्यता नूं की कहा जाता है, सिक्ख्या, मनुखी पूंजी, साखरता, साखरता कहा जाता जी। ते उस तो बाद आजूगा जी भारत में साखर इस्त्रियां हन, ठीक है, किन्नियां ने ये तुसी देख लेना वा। व्यापारक बैंकां दे राष्ट्रीकरण की शुरुआत कदों हुई सी, सो इहदा आंसर हैगा जी 1969। उस तो बाद आजूगा खेत्रफल दे पक्खों पंजाब भारत का डैश छोटवां राज है। सो दोस्तों उस तो बाद देख लो खेत्रफल के पक्ष तो पंजाब भारत का डैशवां छोटवां राज है। ठीक है, 19वां दिखा रहा क्रोम से, बट 9वां हो सकता वा, देख लियो। हेठां विचों केड़ी नदी दे भारत दे पंजाब विच नहीं है, ठीक है, केड़ी नदी नहीं हैगी पंजाब विच, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ठीक है, रावी का विभाग हैगा वा, अद्धा भाग उधर आ, रचना हो सकती है। ठीक है, पंजाब के कड़े जिले की सखरता सब तो वध है, ठीक है, हुशियारपुर की या हुशियार तो ही ला लो साहब। उस तो बाद आजूगा जी 2021 जनगणना अनुसार पंजाब विच जन्म दर, ये तुसी देख लियो थोड़ी बुकों चो, हेठ लिखियां विचों केड़ी खरीफ फसल नहीं है, ठीक है, झोना, चना, जवार, गन्ना, देख लियो केड़ी आ। उस तो बाद आजूगा जी पंजाब विच खंड दी मिलां केड़े जिले विच हन, ठीक है, खंड दी मिलां उपरोक्त सारे ही होगा वे जे सारे आ रहे आ। हेठ लिखे विचों केड़ा सर्वजनक वित्त दा तत् नहीं है, कार सर्वजनक कार्ज, वित्ती नीति, मुद्रक नीति, देख लियो केड़ा वा इन्हां चों। उस तो बाद आजूगी जी हेठां लिखियां विचों केड़े छोटे पैमाने दे उद्योग मुख विशेषता हन, कीर्त प्रधान गा, स्थानिक, ये देख लियो केड़े आ। उस तो बाद आजूगा जी उच्च सिक्ख्या दे मार्गदर्शन अते निरंतर दी जिम्मेवारी किस दी हुंदी है, ठीक है, पंजाब भारत सरकार उच्च सिक्ख्या विभाग दी, ठीक है, सो भारत सरकार दी होगा या फिर उच्च सिक्ख्या विभाग दी हो। फिर उस तो बाद आजूगा जी बहुत छोटे प्रश्न, ठीक है, एक एक नंबरां दे, सो देखदे आं। पंजाब दी अर्थव्यवस्था मुख विशेषतावां दा वर्णन करो, पंजाब विच जनसंख्या दे वाधे दे मुख कारण की आ, पंजाब नूं खेती प्रधान राज क्यों कहा जाता वा, ठीक है, सोकी इतों ज़्यादा फसल निकलती है वह भी है। पंजाब सरकार की आमदन के मुख स्रोतों की व्याख्या करनी है। फिर उस तो बाद है जी सुतंत्र समय भारतीय उद्योगों की स्थिति सी, भारतीय निजोन तो तुम की समझते हो, छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार समता प्रकाशित करते हैं, उद्योगिक विकास दिया समस्यावां दे हल 3 सुझा दिओ, मनुखी पूंजी अते मनुखी विकास विच अंतर दसो, सिक्ख्या दे की उद्देश हन, पंजाब दीआं खाद फसलां दे नाल दसो, पंजाब सरकार दे खर्चिआं नूं मुख रूप नाल किन्ने हिस्सिआं विच वंडिआ जा सकदा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन सा, ते हुण आपां देखदे आं जी अगला आजूगा जी तुहानूं पैरा पैरे पढ़ के आंसर देणे आ। ठीक है, तो पहला हैगा जी पंजाब किन्ने, पंजाब दे किन्ने जिले आ, ठीक है, सो बहुत सौखा
एक बार आ देख लो ते हुण आपां आंसर करदे आं देख के की आ देख लो की है इत्थे आऊगा पंजाब दी पंजाब दे किन्ने जिले हैं ठीक है। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो 23 जिले लिखे हुए आ। सो उस तों बाद जो मौजूदा पंजाब 1 नवंबर डैश विच होण च आया ठीक है 1966 च। तो उस तों बाद आजूगा जी कि नदियाँ पंजाब नूं पाकिस्तान तो वख कर दियां हन। सो इत्थे देख सकते हो आंसर रावी ते सतलुज नदियां इस नूं पछम विच पाकिस्तान तो वख कर दियां हन। उस तों बाद नैक्सट देखते हैं 2021 की जनगणना अनुसार पंजाब की आबादी किन्नी सी। सो इत्थे लिखा होया 2,77,00,000 सीगी ठीक है। सो उस तों बाद आजूगा जी भारत के कुल खेत्रफल का कितना प्रतिशत पंजाब बनता है। सो देख लो इत्थे की है भारत की आबादी भारत दो सो की कुल आबादी का 2.5% बनता ठीक है प्रतिशत परसेंट। उस तो बाद आजूगा जी यह खेत्र डैश पहाड़ियाँ की बाहरी सीमा नू कवर करता है। देख लो इत्थे लिखा होया दक्षण विच हरियाणा ते राजस्थान नाल घिरिया होया है ठीक है। ते सॉरी यह खेत्र डैश पहाड़ियाँ की बाहरी सीमा नू कवर करता है। सो इत्थे देख लो केड़ा वा इन चो ठीक है। सो हुण देखते हैं जी नैक्सट नैक्सट आजूगा जी अपना एक होर पैरा। सो वधिया थानू सो देख लें ये भी 6 नंबर का होगा भारत ने 2020-2021 किनिया गठा कपड़िया की उत्पादन कीतियां ठीक है। सो 26,00,000 टन ठीक है। सो इत लिखा होया 2021 किनिया कीतियां उदाहरण वध के किन्ना हो गया आ देखो 3,62,000 गठा ठीक है। सो इत लिखा होया वा। तो नैक्सट आ ब्रिटिश शासन दौरान किहड़े मुख उत्पादां वस्तु उद्योग स्थापित किए ठीक है। सो किहड़े किए सो इत्थे तुसीं देख सकते हो जिवें इत्थों लैके दो मिनट इत्थों लैके इत्थे तक आ देख लियो। तो उस तों बाद आजूगा जी कि भारत विच उद्योगिक विकास दे लई उपभोक्ता वस्तुआं नूं उद्योगां नूं प्राप्त दा पूर्ण निवेश किया गया सी। इत्थे तुसीं देख सकते हो आंसर ठीक है लब लियो। उस तो बाद चौथा है हस्तक या उद्योग पतन की कारण सीगा ठीक है। ये भी तुसीं उत्ते देख लियो ठीक है। मैनूं लगता ब्रिटिश ट्रैफिक पॉलिसी कारण होना। उस तो बाद आऊगा जी स्वतंत्र समय भारत का चीनी हैक्टेयर उत्पादन 10,00,000 टन तो वध के 2021 विच किन्ना हो गया तीन किन्ना सीगा। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो वध के लड़ीवार इत्थे देख लो इन्ना हो गया सीगा ठीक है। सो ए लाइन दसती आ भारत का किहड़ा उपयोग ब्रिटिश राज विच बुरी तरह प्रभावित होया। सो कपड़िया का होगा। तो उस तो बाद है जी अपने छोटे प्रश्न आ जाते हैं। छोटे प्रश्न देख लो किहड़े किहड़े आ पांच साल नौजवानों की सफलतावान एक सीमित नोट लिखो। उद्योगिक लाइसेंसिंग की है इन साधना की वंड करो प्रभावित करती है पंजाब नूं इस दे खेती जलवायु के आधार पर किन्ना हिस्सों में वंडिया गया है। पंजाब विच शहरीकरण दी मुख्य विशेषतावान की हैं पंजाब विच हरी क्रांति के मुख्य दोष की आ ठीक है। उस तो बाद वड्डे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे वड्डे उत्तर वाले प्रश्न जिवें तुसीं देख सकते हो 2 प्रश्नों के उत्तर प्रदान करो प्रश्नों के जवाब 100-150 शब्दों में लिखो। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था दीआं मुख्य विशेषतां दा वर्णन करो। भारत में आर्थिक निजोजन दीआं सफलतावां दे असफलतां की व्याख्या करो। दूसरा आजूगा जी पंजाब विच जनसंख्या दे वाधे दे आकार दा वर्णन करो जां फिर सन 1966 तों बाद खेती विकास दीआं मुख्य विशेषतां दी व्याख्या करो। सो खेती विशेषता की व्याख्या तुसीं किवें कर सकते हो जो भी होया सीगा हरी क्रांति वगैरह वगैरह सारे तुसीं लिख सकते हो। तो हुण अगला पेपर देखते हैं। तो दोस्तों एक आ पेपर है ये तुसीं देख सकते हो ये मैं थोड़ा अगे आंसर भी कराँगा जिवें तुसीं इत्थे अर्थशास्त्र वगैरह देख सकते हो। समा हैगा 3 घंटे 20 नंबर शुरू च प्लस वन का है। चलो आंसर करते हैं वर्तमान समय पंजाब विच किन्ने जिले हैं ठीक है। किन्ने जिले आ 23 हेठां विचों केड़ी मिट्टी पंजाब विच नहीं पाई जाती। सो इन्हां चों केड़ी आ
ਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ? 1966 'ਚ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ 893। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਾਦ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਗੰਨਾ ਵਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਅੱਠਵਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਹੋਜਰੀ ਉਦਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ। ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਾਮਾਤਮਿਕ ਖਰਚ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਕੀਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਖਰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 11, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੀਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ। ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੂਗਾ ਜੀ 13, ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੂਗਾ ਜੀ 14, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਕਰ ਦੀ ਢਲਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ 15 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਵਸਰ ਲਾਗਤ ਡੈਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17, ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸ਼ਟੂ ਦੀ ਗਣਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 17 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਤਸ਼ੂਗੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਤੁਗੀ ਸ਼ਟ ਬੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਇਕਾਈਆਂ ਕੁੱਲ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, 18 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੋਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਗੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥਾ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 16 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਰਾਖਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਥਾਪਨ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਖਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣੇ ਉਹ ਆ। ਜਨਮ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕੁਟੀਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ, ਮੰਗ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮਸੀਮਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਸ਼ਟੀ ਦਰਾਂ ਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਖਵੇਂ ਬਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ,
सो ये तुसी देख सकते हो। फिर तुसी देख सकते हो कुटीर उद्योग तो की भाव है, ठीक है। सो परिवार के मैंबर जिहड़े चलान उन्हूं कहिंदे आ। सर्वजनक कर्जा राही असी बैंकां वगैरह तो लैंदे आ जी। फिर स्थानपन वस्तां तो की भाव है, ठीक है, ये थानू आंसर दिता होया वा। मंग सूची का अर्थ की है, ठीक है, सो ये तुसी देख लियो, ठीक है। उपभोगता जां तुष्टिगण तो की भाव है, ये तुसी देख लियो, ठीक है। घटदी सीमित उपयोगता दे नियम तो की भाव है, ये आंसर थानू देता। अवसर लागत किसे साधन दे विक ते तुसी हुण ये आंसर अपनी सूची देख सकते हो। जो भी थोड़े पिछले क्वेश्चन सीगे सारे च हैगे आ, ते आ जनसंख्या तो की है, ठीक है। सो उस तो बाद ये क्वेश्चन फिर चार नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते जिवें तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते आ रहे आ, ते होर मैं तुहानू दिखाना अगे अगे चल के। सो ये तुसी एक क्वेश्चन देख सकते हो अपनी स्क्रीन दे उत्ते, ते होर भी मैं तुहानू दिखा रहा वा। नियम वाले देख लो, मंग दी नियम तो स्पष्टीकरण करो, ठीक है। फिर वस्ती का अर्थ खेत्र, ठीक है, मंग का सिद्धांत आ गया, ठीक है। फिर वो और पॉइंट्स आ गए, तो उस तो बाद आ जूगे जी अपने छे नंबर के क्वेश्चन, जिवें तुसी अपनी देख सकते हो। उपयोगता दे संतुलन तो की भाव है, ठीक है। फिर उस तो बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, यही है मतलब वह पॉइंट आ। फिर उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन चल पूगा जी अपना, जिवें तुसी अपनी स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो। फिर ये पॉइंट्स आ हुए आ जिहड़े भी आ, ये तुसी देख लेने आ, संजाई रसायनिक खादा, ठीक है। सो इदा ते इत्थे तुहाडा पेपर कंप्लीट हुंदा जी। वीडियो दी लगी लाइक कर दिओ, चैनल सबसक्राइब कर लो।